हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई नई मूवी एक्सट्रैक्शन का। बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्लास रोल निभाया है उसने। दोस्तों फिल्म एक्सट्रैक्शन का जो सबसे हाईलाइट पॉइंट है वो क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुड्डा की करीब 10 मिनट चलने वाली ड्यूअल फाइट ही है। दोस्तों ये अनकट सीन एक्सट्रैक्शन के एक्शन सीन्स को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। वही दोस्तों अब स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें मेन लीड रोल निभाया है क्रिस हेम्सवर्थ ने, साथ में नजर आ रहे हैं रणदीप हुड्डा और पंकज त्रिपाठी भी। वही दोस्तों अब स्टोरी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों स्टोरी शुरू होती है भारत के माफिया डॉन के बेटे की किडनैपिंग से। पंकज त्रिपाठी का एक दुश्मन होता है बांग्लादेश में जो कि उसके बेटे को किडनैप करवा लेता है। पंकज त्रिपाठी खुद जेल में होते हैं इसलिए वो ये काम नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हायर किया है क्रिस हेम्सवर्थ को यानी कि टायलर रेप को। टायलर रेप बहुत ही खूंखार किस्म का एक आदमी होता है जो अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही फिर टायलर ढाका पहुंचता है और इस बच्चे को बचाने के लिए अपराधियों को ढूंढना शुरू करता है और फिर लाशों का ढेर बिछा देता है। वही फिर टायलर की उस बच्चे से दोस्ती भी हो जाती है और हमें फिर एक स्पेशल बॉन्ड देखने को मिलता है उन दोनों के बीच में। क्या टायलर उस बच्चे को सफलतापूर्वक भारत ले आएगा या और भी मुश्किलें उसमें आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी इस मूवी में। तो दोस्तों आज ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं जो कि रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों आप वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। फिल्म एक्सट्रैक्शन शुरू से ही लेकर आखिरी तक बंदूकों और हेलीकॉप्टर गाड़ियों और इंसानी धमाकों से फिल्म भरी हुई है। इसमें एक से बढ़ के एक जबरदस्त एक्शन दिखाए गए हैं जो कि आपको एवेंजर्स एंडगेम की याद दिलाते हैं, क्योंकि इसे डायरेक्ट भी एवेंजर्स एंडगेम के डायरेक्टर्स ने किया है। वही दोस्तों फिल्म एक्सट्रैक्शन को अगर एक्टिंग के लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ और रणदीप हुड्डा की फिल्म लगती है। ये दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी है और काम भी टक्कर का ही किया है। और दोनों के कैरेक्टर्स अगर कहीं कमजोर पड़े हैं तो वो है इसकी स्टोरी की वजह से। दोस्तों इसकी स्टोरी इतनी शानदार नहीं है जिसके कारण कहा जाए कि फिल्म अच्छी बनी हो। वही दोस्तों इसमें बताते हैं कि क्रिस हेम्सवर्थ का एक बेटा होता है जिसकी एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है और वो ओबी में अपना बेटा तलाशता है और उसी का एक्सट्रैक्शन करने की एक कहानी है। तो दोस्तों आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।